नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड हल करना सीखेंगे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक हमें गुणनखंड का सवाल दिया हुआ है, इसके हमें गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो गुणनखंड का जो सवाल है ये किस फॉर्म में होता है। अगर इससे आपको बदल कर दे दिया जाए तब आप इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये इस समीकरण का मानक रूप होता है, मतलब कि आपको समीकरण इसी रूप में देखने को मिलेगा। अगर इस रूप में समीकरण नहीं है तो हमें पहले उसको इस रूप में लाना पड़ेगा, तभी हम उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्स है, और सी के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है तो ये संख्या है, बी के स्थान पर भी कोई संख्या हो सकती है तो यहाँ पर ये संख्या है, और ए के स्थान पर भी कोई संख्या हो सकती है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक है। तो ये तो हुआ समीकरण का मानक रूप। अब देखिए समीकरण आपसे कितने प्रकार के हो सकते हैं, देखिए थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं फिर इसके बाद में इसको हम हल करेंगे। तो देखिए समीकरण आपको ऐसा भी दिया जा सकता है जैसे कि 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर जीरो, इस टाइप से आपको दिया रहेगा। तब भी आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले को पहले आगे लिखेंगे फिर उसको यहाँ पर और लास्ट वाले को यहाँ पर, इस टाइप से हम उसको लिख लेंगे तभी जाकर हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का जो समीकरण है इसको हल करने की दो विधियाँ हैं, पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है सूत्र विधि। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि इस समीकरण के हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो उसको कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले देखिए अगर इसके साथ कोई गुणांक है, मान लीजिए यहाँ पर 6 होता तो हम क्या करते, इसका और इसका मतलब कि ये वाली संख्या का और ये वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते। अगर यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे कि यहाँ पर एक है। अब एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। तो सबसे पहली कंडीशन आपको यही करना है कि यहाँ पर जो संख्या है उसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर फिलहाल एक है तो एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही आएगा। चलिए अब दूसरी स्टेप क्या है, इस 10 के आपको ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 10 आए और गुणा करने पर यहाँ पर 16 आ जाए। तो हम ऐसे टुकड़े करेंगे 10 के। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो यहीं पर आती है कि इसके हम टुकड़े नहीं कर पाते हैं। तो देखिए टुकड़े करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ये जो 16 है इसको आप सिंपली यहाँ पर लिख लीजिए और इसके आप गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है, इस 16 के गुणनखंड निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं, 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 2 4 8, और फिर 2 से करेंगे 2 2 4, ठीक है, ये हो गया। अब हमको इन संख्याओं को गुणा करके जोड़ के घटा के जैसा भी करके हमें ऐसी संख्याएं प्राप्त करना है कि उन दोनों का योग 10 होना चाहिए। तो देखिए 2 2 4 4 2 8, ठीक है, तो 8 + 2 ये 10 होते हैं, या फिर 2 2 4 2 6। अब इसके अलावा कोई संख्या 10 होगी नहीं तो 8 और 2 हो जाएंगे। तो 8 और 2 को गुणा करके देख लीजिए, 8 और 2 को गुणा करेंगे कितना होगा, 8 2 16, मतलब कि हमारे दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो चुकी हैं, 8 और 2 ये संख्याएं हमारी आ चुकी हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 10 को 8 + 2 हम लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण को सेम जैसा का तैसा ही हम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद में 10 है तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 8 + 2, ठीक है, 8 + 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और x है तो ये x आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 16 है तो ये हम 16 को यहाँ पर लिख देंगे और बराबर 0, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर को सेम यहाँ पर लिख देंगे प्लस, इसके बाद में देखिए x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पर 16 है तो 16 आ जाएगा और बराबर का 0, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 2 2 के जोड़े बना लेना है, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पर 2 का जोड़ा बन जाएगा। अब इन दोनों में देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में x है मतलब x कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर से हमने x कॉमन लिया है तो यहाँ पर कितना, 1x तो बचेगा ही, तो ये x आ जाएगा प्लस ये 8 है तो ये 8 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले चुके हैं प्लस, इसके बाद में देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ से 2 ले लेंगे, x बचा, और प्लस 2 से हम 16 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो ये 8 आ जाएगा और बराबर का 0, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में देखिए, इस पूरे में से क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, x प्लस आठ यहाँ भी है, x प्लस आठ यहाँ भी है, तो हम दोनों को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इस पूरे में से इसको कॉमन ले सकते हैं, देखिए x प्लस आठ कॉमन आ जाएगा, x प्लस आठ ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, x, तो ये x आ गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर ये कॉमन ले लिया है, यहाँ पर क्या बचा, दो बचा, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा आंसर, यहाँ पर क्या निकल के आया, x प्लस आठ और x प्लस दो, ये जो है इस समीकरण के गुणनखंड निकल कर आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब यदि हमें x का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, एक बार इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ पर x प्लस आठ बराबर जीरो और x प्लस टू बराबर जीरो करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको उस तरफ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आठ, और इसको बराबर उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का दो। तो ये जो हैं हमारे समीकरण के मूल आ गए हैं, मतलब कि x के मान आ गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम समीकरण के यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, तो चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा तैयार है, ये पहले वाले एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बिल्कुल सिंपल है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के जो समीकरण हैं इनको हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट वाली संख्या इनका आपस में गुणा करना है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छः गुणा तीन कितना हो जाएगा, छः तिया अट्ठारह, तो अट्ठारह को हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप क्या है कि यहाँ पर जो बीच वाली संख्या है, मतलब कि x के साथ जो संख्या है उसके हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर माइनस का तीन आए और गुणा करने पर माइनस के अठारह, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस के अठारह ही आना चाहिए। तो चलिए हम अठारह के यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये अट्ठारह हो गया। चलिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए तीन से करते हैं तो तीछिंग अट्ठारह, फिर तीन से करेंगे तीन दुनी छः, ठीक है, ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। चलिए अब हमें इनमें से ऐसी संख्या फाइंड करना है कि उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर माइनस का तीन आता हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन और दो कितने हो जाएंगे, तीन दुनी छः हो जाएंगे, और छः प्लस तीन तो नौ होते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर तीन चाहिए, तो हम छः में से माइनस तीन कर दें तो क्या होगा, छः माइनस तीन करेंगे तो यहाँ पर तीन बचेगा, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे, तीन को प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो इसमें से देखिए घट जाएगा तो माइनस का तीन बचेगा, ठीक है। और गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, छः तिया अट्ठारह, और अट्ठारह जो है हमारा माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर एक संख्या माइनस की है, तो हमें संख्याएं यहाँ पर मिल चुकी हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं उनको सेम जैसी कि तैसी यहाँ पर लिखते हैं, देखिए सिक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए अब हम इस तीन को क्या लिखेंगे, माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे छः माइनस तीन, ठीक है, छः माइनस तीन हम इसको लिख देंगे, और एक्स है तो ये एक्स हम लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो माइनस है इस माइनस को हम यहाँ पर, और ये तीन है तो तीन लिख देंगे, ठीक है, और बराबर जीरो, ठीक है। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए छः माइनस तीन करेंगे तो तीन आ जाएगा, और ये वाले माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब हमको इसमें गुणा कर लेना है, ये जो एक्स है इसका भी हम इसमें गुणा कर देंगे, माइनस का भी गुणा कर लेंगे। चलिए तो करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये वाला माइनस, ये सिक्स और ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तीनों, देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए माइनस तो है तो माइनस ही आएगा, इसके बाद में छः है तो छः आ जाएगा, और एक्स है तो ये एक्स आ जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद में देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और थ्री है तो थ्री आ जाएगा, और एक्स है तो एक्स आ जाएगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसके बाद में देखिए माइनस का थ्री और बराबर में जीरो, ठीक है। अब हमें दो दो के जोड़े बना लेना है, देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। चलिए अब देखिए इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी सिक्स एक्स है, यहाँ पर भी सिक्स एक्स है, तो सिक्स एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो गया सिक्स एक्स। अब यहाँ से देखिए एक एक्स बचेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और हमने सिक्स एक्स कॉमन लिया है, यहाँ पर कितना बचेगा एक्स बचेगा माइनस, और यहाँ पर सिक्स एक्स चला गया तो यहाँ पर वन बचेगा, तो ये आ गया हमारा वन,
ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो प्लस यहाँ पर 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x 3 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 और बराबर का 0। ठीक है, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इस पूरे में से देखिए x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो हम ले लेते हैं x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 6x बचेगा और यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा और बराबर में 0। ठीक है, तो ये जो हैं इस समीकरण के गुणनखंड आ चुके हैं। ठीक है, इस समीकरण के गुणनखंड ये हैं, इसके मूल निकालना है, तो मूल कैसे निकालते हैं, चलिए मूल भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारा जो है इस समीकरण के मूल निकल के आ जाएंगे। तो चलिए x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 6x प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इसको उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर अब देखिए 6x 3 को उस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। ठीक है, इसके बाद में हम इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर यहाँ पर माइनस का 1 और 2 नीचे पहुँचा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x बराबर माइनस 1/2। तो ये जो हैं इस समीकरण के मूल आ चुके हैं। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिए, ताकि हमें आपका फीडबैक मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।